तो हमें एक परिवार मिला है जो साथ में मिलकर वोट डालने जा रहा है। उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को देखते हुए वोट करने वाले हैं। पहले महिलाओं से जान लेते हैं कि आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे। पूनम। पूनम जी, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालने वाले हैं? मुद्दों में तो यही है कि सरकार अच्छी आएगी तो भाई मार्केट भी सही रहेगा, और मार्केट सही रहेगा तो सारा काम सही रहेगा, राशन वगैरह सही मिलेगा। इसीलिए सही सरकार के लिए सही चुनाव भी ढंग से आराम से हो, और अच्छा नेता आएगा तो सरकार अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी तो जनता भी खुश रहेगी। बिल्कुल, सरकार अच्छी आएगी तो जनता खुश रहेगी। किस मुद्दे को देखते हुए आप वोट डालने वाले हैं? मुद्दे अब रोजगार को लेके और जो GDP वगैरह है, इन सबको देखते हुए वोट डालेंगे कि पुरानी सरकार ने क्या किया, कि अब हम किसको चुने, और मतलब अब कौन मतलब क्या कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद ही हम वोट करेंगे। चुनाव प्रचार में भी जो इलेक्शन कमीशन था वो सख्त था, और इस वक्त भी हम देख सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था है, हर जगह पुलिस बल दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, इस तरह का चुनाव कितना ज़रूरी है? नहीं, इस प्रकार का चुनाव आयोग जब ऐसे काम करता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब धांधलेबाजी या किसी को डरा धमका के वोट करना या मतलब पैसे वगैरह दे के वोट डलवाना, मतलब इससे लोकतंत्र का नुकसान होता है, हानि है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है तो ईमानदारी से वोट किया जाए तो अच्छा है। जो लोग वोट देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनको यही कहेंगे, ये मौका हमेशा ऐसे ही मतलब मिलता नहीं है किसी को, और मतलब अपनी पूरी ईमानदारी से वोट डालें तभी एक अच्छी सरकार आएगी। बिल्कुल, ईमानदारी से वोट डालें तभी एक आपको अच्छी सरकार मिल पाएगी। और ये अधिकार आपको शिकायत करने का भी अधिकार देता है। जब आप वोट डालते हैं तो आप शिकायत करने के भी हकदार बन जाते हैं। अगर आप वोट नहीं डालते तो आप ये भी कहने के हकदार कहीं ना कहीं नहीं होते कि सरकार ने कुछ किया या नहीं किया।